ओम शांति। 8 जुलाई की ईश्वर गणना का स्वागत है। परमात्मा पिता कहते हैं कि ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भवा। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, मतलब परम धाम को छोड़ करके जहाँ पर हम आत्माएं मुक्ति में रहती हैं, जहाँ पे ना कोई 5 तत्व हैं, ना समय है, ना आकाश, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर वहाँ से परमात्मा नीचे उतरते हैं, अवतर होते हैं। ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं, ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। अगर हम अपने आप को यहाँ का समझ लेते हैं तो हमें यहाँ का नाम मान शान चाहिए, यहाँ के लोगों की वाहवा चाहिए, हमें यहाँ की हमें प्राप्तियाँ चाहिए, चाहे वो स्थूल हों चाहे सूक्ष्म प्राप्तियाँ हों। हमें अगर यहाँ का सोच करके हम सेवा करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए यहाँ पर इस दुनिया से। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि अब अभी अभी बस हम अवतरित हुए हैं कुछ समय के लिए, सेवा करने के लिए आए हैं और फिर वापस चले जाना है, तो फिर हमारा लगाव नहीं रहता, हमारा हम न्यारे होते हैं और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाएं। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। हम वही अवतार हैं जो कि परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं। हमारा नया जन्म हुआ है, हम फिर से अवतरित हुए हैं, मतलब कि स्पिरिचुअल बर्थ हुआ है। फिजिकल बर्थ तो हो चुका है लेकिन स्पिरिचुअल जन्म, मतलब कि आत्मा जागृत हुई, तीसरा नेत्र खुला, उसको कहते हैं अवतरित होना। आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। लेकिन अगर हम अटैच होकर के सेवा करेंगे तो फिर हम लोगों को साक्षात्कार ना आत्मा का ना परमात्मा करा सकते हैं और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो हमें इतने ऊंचे लेवल पर ले करके हमें सेवा करनी है कि हम अवतरित हुए हैं, हमें कुछ लगाव नहीं है। जब भी थोड़ा सा लगाव, पुराने संस्कार आते हैं, पुराने स्वभाव आते हैं, तो अपना कुछ चेक करो और चेंज करो कि मैं अभी अवतरित होकर के सोच करके कर्म कर रही हूँ आत्मा, कि मैं लगाव में आकर के चाहिए ये चाहिए वो चाहिए सोच करके सेवा कर रही हूँ मैं आत्मा। ओम शांति।